हेलो डी स्टूडेंट, अगेन वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ असम डी फिजिक्स. स्टूडेंट, हमारी सीरीज चल रही थी प्रोजेक्टाइल मोशन पे, ठीक है. और कल हमने डिस्कस की थी बहुत शानदार बात जो थी कि जी की वैल्यू कब पॉजिटिव लेंगे और जी का शैन कब नेगेटिव लेंगे, ठीक है. और कल हमने एक चीज़ डेराइव कर ली थी जिसका नाम है उडयन काल, जिसको अपन बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है. परिभाषा बोलो तो जब तक पार्टिकल हवा में रहता है वो उसका उडयन काल है. सबसे सिंपल परिभाषा कैसे निकालते हैं, सर v इक्वल्स टू यू प्लस जीटी लगाइए, लास्ट जो v की वैल्यू है वो जीरो हो जाती है. कैसे कि सर जब ऊपर जाके रुकेगा तभी तो अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करेगा. इसका मतलब प्रारंभिक वेग यदि u sin थीटा हो, अंतिम वेग जीरो हो, तो t निकालो और t का कितना गुना कर दीजिए सर, दो गुना. क्यों? क्योंकि सर अंतिम वेग यहाँ पे जीरो हो जाता है, पर क्या अंतिम वेग के टाइम वो नीचे आ जाता है? नहीं, वो तो यहाँ पे आके रुकता है. मतलब जितना ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे जाने में टाइम लगेगा. इसका मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू आई उसको क्या कर दिया, दो से गुणा कर दिया. तो स्टूडेंट हमने निकाल लिया टी, और जो टी निकाला उसको हम लिख लेते हैं साइड में 2u sin थीटा अपॉन कितना आया स्टूडेंट जी. ओके भाई, ये स्टूडेंट अपन ने निकाल के रख लिया, बाकी पूरा क्या कर देते हैं अपन साफ. अब आज स्टूडेंट अपन बात करने वाले हैं किस पे, हमारी रेंज पे बात करेंगे, क्षैतिज परास पे, अर्थात रेंज. देखिए क्षैतिज परास बहुत सिंपली निकलती है. कैसे? क्षैतिज परास, देखिए स्टूडेंट क्षैतिज परास कैसे निकालेंगे. देखो भाई क्षैतिज परास की सबसे सिंपल बात क्या है कि क्षैतिज दिशा में होती है. किस दिशा में? क्षैतिज दिशा में. नाम से पता चल रहा है क्षैतिज परास किस दिशा में होती है, क्षैतिज दिशा में होती है. तो मतलब किस दिशा में जाएगा पार्टिकल, इस दिशा में जाएगा. कौन लेके जाएगा? यू कोस थीटा लेके जाएगा. कौन लेके जाएगा? यू कोस थीटा लेके जाएगा, क्योंकि ये यू एक्स है और ये कौन सा है, यू वाई, ठीक है. देखिए स्टूडेंट अब आगे, तो यू कोस थीटा इक्वल्स टू यू एक्स, यू एक्स, ठीक है. तो क्षैतिज परास, परास क्या होती है, दूरी. तो दूरी बराबर क्या होता है स्टूडेंट, चाल गुणा समय. चाल गुणा समय, तो चाल कितनी, चाल है यू कोस थीटा. चाल कितनी, यू कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय टी. टी कितना है स्टूडेंट, टू यू साइन थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, जी. तो ये कितना हो गया स्टूडेंट, ये हो गया टोटल यू को रख ले बाहर, टू साइन थीटा कोस थीटा. देखना है स्टूडेंट, एक साइन थीटा का सुंदर सा फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, टू यू, अरे सर यू नहीं, टू साइन थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा. तो देखो बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है सर जी. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यू साइन टू थीटा अपॉन कितना आ जाएगा स्टूडेंट जी, और ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, आर की. अच्छा सर टी में भी क्या आता है, यू, और इसमें भी क्या आता है, यू. तो यू इंटू यू क्या बन गया, यू स्क्वायर. तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेंज की. मैं ये वैल्यू मन से एक बार वापस लिखना चाहता हूँ. क्यों? क्योंकि यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी आपको एक इतनी इंटरेस्टिंग बात बताएगा, आपको सुनने में और समझने में क्या आएगा, मज़ा, ठीक है. वही धमाल मूवी आपने देखी होगी, वो कार को, ठीक है, जो खुदवा देता है, तो उसमें वो क्या दिमाग लगाता है कि उसको भी उस तालाब को पार करना रहता है, ठीक है. तालाब को पार करने के लिए वो रेंज देखता है. अब ये देखता है कि सर रेंज मैक्सिमम कब कर सकते हैं. तो कार है, सिंपल सी बात है कि भाई कार को ऐसे उड़ा के लेके जाएगा वो, ठीक है, इसलिए वो इंक्लाइंड प्लेन भी होता है, ठीक है. अब वो करता है क्या कि आर को मैक्सिमम करता है, हाइट को उससे मतलब नहीं, हाइट कितनी भी लो आर मिल गई तो उस तरफ कार निकल जाएगी, बात खत्म. तो इसको मैक्सिमम करने के लिए देखता है कि हमारे पास फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी. अब ये मैक्सिमम कब होता है अपन आज ध्यान से समझेंगे, ठीक है. इसको मैक्सिमम करेंगे, ये मैक्सिमम कब होता है, साइन थीटा की वैल्यू होती है मैक्सिमम 90 पे, और वो कितनी होती है, एक. तो इसका मतलब यहाँ पे साइन 90 बना लो, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, बात ही खत्म. साइन 90 कैसे बने स्टूडेंट, टू थीटा है तो थीटा कितना हो जाए स्टूडेंट, 45. कितना हो जाए, 45. दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दैट मीन्स नथिंग बट, देखिए आर की मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी कितनी, यू स्क्वायर साइन थीटा को मैं लिख रहा हूँ 45, तो 2 × 45 अपॉन कितना हो जाएगा जी. तो ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी. ये लीजिए स्टूडेंट, इस तरफ आर की वैल्यू रख दो, रेंज रख दो, जी का मान जानते हो तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी. कितनी वेलोसिटी दें कि कार यहाँ से उधर चली जाए. एक एग्जाम्पल से करेंगे इसको आगे थोड़ा सा. जैसे मान लीजिए कि आपको 100 मीटर कार को जंप करवाना है, इंटू जी कर दीजिए,
और यू स्क्वायर, पर वो मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दीजिए, फिर क्या कर दीजिए, जी की वैल्यू लिख दीजिए, आपके पास क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी अब मीटर को किलोमीटर में क्यों किया, क्योंकि बाइक की स्पीड किस में रहती है, किलोमीटर में रहती है, इसलिए इसमें क्या किसमें चेंज कर लेंगे, किलोमीटर में, और अपन को पता चल जाएगा। ये तो एक सिंपल सी बात थी स्टूडेंट। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग वापस बात पढ़ेंगे, कौन सी, ये तो धमाल मूवी की बात थी, ये तो मूवी धमाल की बात थी। अब मैं अपन बात करूँगा फुटबॉल की, किसकी बात करेंगे, फुटबॉल की। देखना स्टूडेंट, बहुत शानदार चीज़ है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, नई चीज़ बताऊँगा आज। धमाल मूवी ख़त्म होने के बाद अब अपन बात करते हैं कि ऐसा क्या करें, समझना स्टूडेंट, कि ऐसा अपन क्या करें कि दो एंगल पे रेंज का मान समान हो जाए। समझना, बहुत शानदार चीज़ लिख रहा हूँ मैं स्टूडेंट, देखना कि दो एंगल पर रेंज का मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए। देखना, समझ आएगा आपको, बहुत मज़ा आएगा। देखिए आर की वैल्यू कितनी आई, आर की वैल्यू आई आपके पास यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। अब अपन जानते हैं कि साइन टू थीटा में, समझ रहा है, ये टू बहुत शानदार रोल प्ले करेगा कि चाहे आप किसी फुटबॉल को थीटा पे फेंको या उसी फुटबॉल को 90-थीटा पे फेंको, वो उतनी ही दूरी तय करेगा। फॉर एग्जांपल, चाहे आप 30 डिग्री पे फेंक दो या इसको 90-30 60 डिग्री पे फेंक दो, तो बात क्या आएगी, बराबर आएगी। कैसे आएगी, देखना कैसे आएगी। यहाँ पर तो पहले यहाँ पे रेंज किस पे मिल रही है सर जी, आपको थीटा पे, है ना स्टूडेंट, किस पे मिल रही है, थीटा पे। अब अपन इसको कर देते हैं 90-थीटा, ये तो थीटा पे मिल रही है ना, इसको अपन कर देते हैं 90-थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन टू 90-थीटा अपॉन कितना लगा स्टूडेंट जी, लगा कि नहीं लगा, लगा ना। दैट मीन्स देखिए, इसको अपन सोल्व करेंगे, दो को अंदर लेके जाओ, दो को अंदर लेके जाएंगे तो यू स्क्वायर साइन 180-2θ अपॉन कितना आ गया जी, आ गया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखिए साइन 180-θ ये कितना होगा, बताओ भी स्टूडेंट, साइन 180-θ कितना होगा बताइए, सोचो स्टूडेंट, सब चीज़ क्लियर करेंगे अपन, छोटी से छोटी, आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ने वाला मैं। देखिए काफ़ी बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम रह जाती है कि सर कई बार ही समझ में नहीं आता। अब भाई सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं होते, कुछ मेरे जैसे होते हैं नॉर्मली जिनको समझ नहीं आता, तो देखिए उनको समझाने के लिए अपन क्या करते हैं कि देखिए एक ऐसे बनाया रहता ही है, आप जानते हो, इससे कुछ भी चेंज होगा, इससे उधर जाओगे, इससे इधर जाओगे तो साइन कोस टेन कोस सेक कोस में चेंज हो जाएगा, मतलब चेंज होगा, बट इससे चेंज नहीं होगा, चाहे आप इस तरफ जाओ चाहे आप उस तरफ जाओ, ये जीरो, तो ये कितना 180। अब आप 180 क्या कर रहे हो, माइनस करो या प्लस, साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कोट कोट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो देखिए 180-2θ साइन साइन ही रहेगा, दैट मीन्स आर 90-θ पे वैल्यू कितनी मिलेगी, यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन क्या आ गया जी। देखो रे 180-2θ चेंज नहीं हुआ, वापस वही आ गया, अरे इधर भी तो कितना आ रहा है, इधर भी तो यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन क्या आ रहा है जी, आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब या आप किसी फुटबॉल को थीटा पे फेंको, ठीक है, या आप 90-θ पे फेंको, बात क्या है, सेम ही है। इसका मतलब चाहे आप 30 डिग्री पे फेंको, चाहे आप 60 डिग्री पे फेंको, चाहे आप 60 डिग्री पे फेंको, चाहे आप 30 डिग्री पे फेंको, बराबरी रहेगा। कब, जब 90-θ वाली कंडीशन अपन क्या करें, फुलफिल करें। देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट था स्टूडेंट, है ना, नया चीज़ समझ में आया ना आपको। तो आज हमने डिस्कस किया किस पे, 36 परास पे, एक शानदार कॉन्सेप्ट उठाया, उसको हमने क्या किया, सोल्व किया, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ स्टूडेंट कितने मिनट का वीडियो बना है, वीडियो बना है लगभग 10-11 मिनट का, ठीक है। आज अपन इतना ही रखेंगे कि आप करना चाहो तो आप मैक्सिमम हाइट के लिए कर सकते हो, ठीक है। देखिए एक मिनट में अपन मैक्सिमम हाइट पढ़ लेंगे, एच मैक्सिमम अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, कैसे निकालें स्टूडेंट अधिकतम ऊंचाई की परिभाषा। अच्छा 36 परास की परिभाषा तो बताई नहीं आपने, 36 परास क्या कहते हैं, प्रक्षेप पे गति स्टार्ट होने के बाद वह जितनी अक्ष दिशा में या क्षैतिज दिशा में दूरी तय करता है वह उस कण की क्या कहलाती है, क्षैतिज परास कहलाती है। वापस समझिए, प्रोजेक्टाइल स्टार्ट होने के बाद पार्टिकल जितनी
अक्ष दिशा में या क्षैतिज दिशा में दूरी तय करता है वो क्या कहलाती है, क्षैतिज प्रहास कहलाती है। और वैल्यू कितनी होती है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, कब कब सेम होगी स्टूडेंट, मैक्सिमम तो होगी 45 पे और बराबर होगी थीटा और 90 माइनस थीटा, बहुत ज़रूरी चीज़ है थीटा और 90 माइनस थीटा, ठीक है। 70 20 पे भी बराबर होगी, चाहे आप 70 डिग्री पे फेंको या 90 माइनस 70 20 डिग्री पे फेंको, क्या होगी, बराबर होगी। तो ये स्टूडेंट मैक्सिमम हाइट अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपन को कोई टेंशन नहीं है कि एक ही दिन में वीडियो ख़त्म करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन का वो पहला दूसरा और तीसरा पार्ट क्या हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट अपन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। फिर भी यदि आपको कुछ क्यूरियस डाउट रह जाते हैं तो उसमें तो रोज़ रोज़ वाली बात है, आप जानते हो कहाँ पे कमेंट करना है और कहाँ से मैसेज करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग, थैंक यू स्टूडेंट।